Assalamu alaikum friends, my name is Hashim Ali and I am your new biology teacher. Today, this is the first video of my educational career and from now, we are starting here a new session of biology MCQ that have a high weightage in your intermediate exam. But before starting the video, make sure that you hit the like and subscribe button as well. So let's start. इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले चैप्टर वन होम्योस्टेसिस का जूलॉजी पार्ट के 17 ईयर्स में जितने भी MCQ आए हैं उन सबको कवर करेंगे। इस एनालिसिस को किया है सर हाशिम अली ने और हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है सिंध बोर्ड स्टडीज़। तो सबसे पहले फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद अगली आगे वीडियो देखना स्टार्ट करें। सबसे पहला MCQ है, इट इज़ नॉट अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग हीट बाई ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म हीट ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन आया है 2022 में। सबसे पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ सोलर रेडिएशन, ऑप्शन बी इज़ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी इज़ मेटाबॉलिज्म एंड ऑप्शन डी इज़ स्वेटिंग। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूँ। सोलर रेडिएशन, देखिए सूरज से जो रेडिएशंस आती हैं उन्हें कहा जाता है सोलर रेडिएशंस। सोलर रेडिएशन एक्टोडर्म्स के हीट ऑब्टेन करने का सबसे मेजर पार्ट है। ऑप्शन बी इज़ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन जब हमें कपकपाहट महसूस होती है तो उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें हीट मिलती है। ऑप्शन सी इज़ मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट का जो मेन कंपोनेंट होता है वो है हीट। तो पहले तीन ऑप्शन तो हो गए इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इज़ स्वेटिंग। स्वेटिंग यानी कि पसीना। पसीना ही वो वाहिद प्रोसेस है जिससे हम हीट ऑब्टेन करने के बजाय हीट लॉस करते हैं। और सेम इसी तरह का एक MCQ जो है वो 2006 में आया था, लेकिन उसमें वर्डिंग थोड़ी सी चेंज थी। तो याद रखिएगा हमारे जो क्वेश्चन नंबर वन का जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर वन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्वेटिंग। क्वेश्चन नंबर टू, दीज ऑर्गेनिज्म रिटेन यूरिया इन देयर बॉडी टू मेंटेन हाइपरटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर। वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी में यूरिया को रिटेन करता है ताकि वो मेंटेन कर सके हाइपरटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्वेश्चन भी 2022 में आया है और ऑप्शन ए है हमारे पास ट्राउट फिश, ऑप्शन बी मैकरल फिश, ऑप्शन सी शार्क एंड रेस, ऑप्शन डी इज एम्फीबियंस। अब यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देता हूँ। हिंट ये है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो हाइपरटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूरिया को रिटेन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी में पहले हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट था। तो ट्राउट फिश, ट्राउट फिश हमारी बुक के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसकी बॉडी में तो पहले से ही हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। याद रखिएगा ये जो MCQ है ये कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। आपका कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा आप उतना इजीली इसका आंसर दे सकेंगे। तो ट्राउट फिश ये एक फ्रेश लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। एम्फीबियन को तो यहाँ से हम रिमूव ही कर देते हैं। अब बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ऑप्शन बी है मैकरल फिश और ऑप्शन डी सी है शार्क एंड रेस, दोनों ही मेरीन फिशेज हैं। तो इसमें से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है शार्क एंड रेस। अब मैं आपको ये चीज़ बुक से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, अनलाइक मेरीन बोनी फिशेज, मेरीन जो बोनी फिशेज हैं उससे अनलाइक। अब मेरीन बोनी फिश कौन सी है, वो है मैकरेल जो ऑप्शन बी था। शार्क एंड रेज, शार्क एंड रेज क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूरिया को रिटेन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थ्री है वो है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड। बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूव होने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन 2021 में आया था। ऑप्शन ए इज़ एक्सक्रीशन, ऑप्शन बी इज़ ऑस्मोरेगुलेशन, ऑप्शन सी इज़ थर्मोरेगुलेशन एंड ऑप्शन डी इज़ होम्योस्टेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ही वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, किडनी स्टोन और कैलकुलाई आर 70% कम्पोज्ड ऑफ। जो जितने भी किडनी स्टोन होते हैं उसमें 70% जो किडनी स्टोन्स है वो किस, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, ये क्वेश्चन 2021 में आया था। और इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम सोडियम ऑक्सीलेट एंड ऑप्शन डी इज़ मैग्नीशियम फॉस्फेट। जितने भी किडनी स्टोन्स होते हैं उसका जो 70% होता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट या कैल्शियम फॉस्फेट उसकी कंपोजिशन होती है। बाकी रही बात, जो 20% होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम और अमोनियम फॉस्फेट का, और जो बाकी के जो 5% है वो यूरिक एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इन तीनों को आपने सही से रिमेंबर करना है।
तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा कैल्शियम ऑक्सीलेट। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अबाउट 180 लीटर्स फ्लूइड इज फिल्टर्ड बाय किडनी एवरी डे, 1.2 लीटर्स इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन व्हाइल रिमेनिंग 178.8 लीटर्स। सवाल ये पूछा गया है कि हमारी बॉडी, हमारी किडनी 180 लीटर्स फ्लूड को फिल्टर करती है, जबकि उसमें से 1.2 लीटर्स जो है वो एज अ यूरिन एक्सक्रीट हो जाते हैं, और बाकी 178.8 लीटर्स का क्या होता है। ये क्वेश्चन 2021 में आया था। ऑप्शन है हमारे पास लोस्ट एज स्वेट, ऑप्शन बी इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड, एंड ऑप्शन सी इज स्टोर्ड इन ब्लैडर, एंड ऑप्शन डी इज बिकम टिश्यू फ्लूड, कि ये हमारे टिश्यू फ्लूड का हिस्सा बन जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास है रीअब्सॉर्ब्ड इन दी ब्लड। ये बाकी का जो 178.8 लीटर है वो हमारे ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन के अंदर 1.2 लीटर्स लिखा हुआ है, लेकिन हमारी बुक के अंदर 1 to 2 लीटर्स मेंशन है, यानी कि 1 to 2 लीटर एज अ यूरिन एक्सक्रीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच आर, कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसे क्या कहा जाता है। ये एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 2019, 2015, 2012 और 2008 में आ चुका है। इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शन ए मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी नेफ्रीडिया, ऑप्शन सी ग्रीन ग्लैंड्स, एंड ऑप्शन डी इज फ्लेम सेल्स। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखा दूँ ताकि आप इसका आंसर सही से दे पाएँ। याद रखिएगा, जो प्लेनेरिया के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं उसे कहा जाता है प्रोटोन नेफ्रीडिया। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसे आप क्या लिखेंगे, प्रोटोन नेफ्रीडिया। अर्थ फॉर्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसे कहा जाता है मेटा नेफ्रीडिया, या इसको हम नेफ्रीडिया भी सिंपली कह सकते हैं। और जो कॉकरोच के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं उन्हें कहा जाता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। इन तीनों को आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसके जो बाकी के पार्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं पास्ट पेपर में पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसे कहा जाता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एलिफेंट एक्सक्रीट, एलिफेंट क्या चीज़ एक्सक्रीट करता है। ये क्वेश्चन 2019 में आया है, और ऑप्शन है हमारे पास यूरिया, मोटर अमोनिया या यूरिक एसिड। याद रखिएगा कि जितने भी मैमल्स हैं वो अपनी बॉडी से यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना हो। उसके बाद द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिन इज, यूरिन का जो सबसे मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट होता है उसे क्या का वो क्या है। ये क्वेश्चन 2018 और 2011 में आया था। इसके ऑप्शन है हमारे पास यूरिया, वाटर, अमोनिया या यूरिक एसिड। ये चार्ट कंप्लीट हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चार्ट दिखा दूँ। सबसे पहले याद रखिएगा कि जितना भी यूरिन होता है उसमें 95% वाटर होता है, और 5% उसमें बाकी के कंपोनेंट होते हैं। ये है वो कंपोनेंट का पूरा चार्ट, जिसमें से मेन जो आपने याद करना है वो है वाटर। इसमें से भी आ सकता है प्रोटीन और ग्लूकोज। याद रखिएगा कि एक हेल्दी पर्सन के यूरिन में प्रोटीन और ग्लूकोज 0% पाए जाते हैं। इसके बाद यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, और ये बाकी के जितने भी मिनरल हैं और इसकी पीएच, ये चीज़ आपने याद करनी है। तो हमारे इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो है वाटर। वाटर 95% पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टोन फ्रॉम द किडनी एंड यूरेथ्रा इज रिमूव्ड बाय, किडनी और यूरेथ्रा से जो स्टोन रिमूव होता है वो किस प्रोसेस के जरिए रिमूव होता है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन 1 इज एंडोस्कोपी, ऑप्शन बी इज हीमोडायलिसिस, एंड ऑप्शन सी इज लिथोट्रिप्सी, एंड ऑप्शन डी इज बायोप्सी। देखिए, एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेडिसिन के जरिए बॉडी के अंदर देखा जाता है। ऑप्शन बी हीमोडायलिसिस है। हीमोडायलिसिस तब किया जाता है जब हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती और हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। ऑप्शन सी इज लिथोट्रिप्सी। ऑप्शन सी जो है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें किडनी और यूरेथ्रा से स्टोन को रिमूव किया जाता है। इसके फर्दर दो प्रोसेस हैं जो कि बुक के अंदर डिटेल से लिखे हुए हैं। और ऑप्शन डी है बायोप्सी। बायोप्सी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेडिसिन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें देखा जाता है कि बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज़ है और इसका मेजर जो रूट है, मेजर रूट वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा लिथोट्रिप्सी। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोटोनेफ्रीडिया आर ऑल्सो नोन एज, प्रोटोनेफ्रीडिया को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था और इसके ऑप्शन हैं हमारे पास, ऑप्शन ए फ्लेम सेल, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी नेफ्रीडिया एंड ऑप्शन डी इज मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास फ्लेम सेल, जबकि नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रीडिया अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और जो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल है ये कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ऑप्शन एमसीक्यू नंबर है 11। रीनल आर्टरी एंटर्स और रीनल वेन लीव्स द किडनी एट द साइट ऑफ, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन किडनी के किस साइट से एंटर और लीव करते हैं। पहला ऑप्शन है हाइलस, दूसरा ऑप्शन है रीनल पायरामिड, तीसरा ऑप्शन है रीनल कैप्सूल और चौथा ऑप्शन है एड्रीनल ग्लैंड। याद रखिएगा कि जो किडनी का जो इंटीरियर आगे वाला हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं हाइलस, ये वहाँ से रिमूव जो रीनल आर्टरी है वो एंटर और रीनल वेन यहाँ से लीव करते हैं, जबकि रीनल पायरामिड उसके अंदर का एक स्ट्रक्चर है, रीनल कैप्सूल उसके ऊपर कवरिंग है और एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाए जाने वाला एक ऑर्गन है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा हाइलस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है, द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन बॉडी फ्लूड इज कंट्रोल्ड बाय दिस हार्मोन, हमारी बॉडी के अंदर जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो किस हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होती है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और इसके ऑप्शंस हैं पैराथॉर्मोन, एल्डोस्टेरोन, यहाँ पर एल्डोस्टेरोन इसको कर लीजिएगा, इसके स्पेलिंग में कोई ना कोई मिस्टेक है, ऑप्शन सी इज FFH एंड ऑप्शन डी इज ADH। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए, ये देखें पैराथॉर्मोन किस ग्लैंड से निकलते हैं, ये चीज़ भी आपको साथ में याद करनी है, पैराथॉर्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं, एल्डोस्टेरोन एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है और ये सोडियम के लेवल को कंट्रोल करते हैं, और ADH जिसकी फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन और इसका जो अलग से एक दूसरा नाम है वो है वेजोप्रेसिन। दोनों नाम को याद कर लीजिएगा, एक तो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा है वेजोप्रेसिन। ये पोस्टीरियर पिचोटरी ग्लैंड से निकलते हैं और ये हमारी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं और ये MCQ एक बार आ भी चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा वो होगा एल्डोस्टेरोन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है, दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवर्म आर कॉल्ड, के जो अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2012 और 2014 में आ चुका है। सबसे पहला ऑप्शन है नेफ्रीडिया, दूसरा ऑप्शन है मेल्फिजियन ट्यूबुल, तीसरा ऑप्शन है किडनी और चौथा है फ्लेम सेल। अभी मैंने आपको एक चार्ट में दिखाया था कि नेफ्रीडिया, जिसे कि हम मेटा नेफ्रीडिया भी कहते हैं, ये अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जबकि मेल्फिजियन ट्यूबुल कॉकरोच किडनी हमारी बॉडी का ऑर्गन है और फ्लेम सेल जिसे कि हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं ये प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा नेफ्रीडिया या मेटा नेफ्रीडिया। MCQ नंबर 14 को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से करें, कहीं आप भी उन्हीं शरारती बच्चों में से नहीं जो वीडियो को देखते हैं और लाइक नहीं करते और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, घंटों की मेहनत और बहुत सारी एनर्जी यूज़ होती है, तो हमारे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्लेम सेल्स आर दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ, देखिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है जिसका चार्ट मैंने आपको दिखाया था कि जो फ्लेम सेल है वो किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये सवाल 2014 में पूछा गया था और इसके ऑप्शंस हैं कॉकरोच, एमोइबा, प्लेनेरिया या अर्थफॉर्म। देखिए, जो फ्लेम सेल है इसका अदर नेम होता है प्रोटोनेफ्रीडिया और ये प्लेनेरिया के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अर्थवर्म और कॉकरोच का इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं और एमोइबा का कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो है, मैमल्स लैकिंग स्वेट ग्लैंड्स प्रमोट हीट लॉस थ्रू, वो मैमल जिनके पास कोई भी स्वेट ग्लैंड नहीं होती वो हीट को कैसे लॉस करते हैं। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था और इसके ऑप्शंस हैं एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, पेंटिंग या नन ऑफ दीज। देखिए, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन एक ऐसे पीरियड को कहा जाता है जिसमें जो एम्फीबियंस हैं वो अपने स्लीपिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। एस्टिवेशन समर स्लीपिंग को कहा जाता है और हाइबरनेशन विंटर स्लीपिंग को कहा जाता है, और जबकि पेंटिंग वो प्रोसेस है कि जिसमें
मैमल अपने हीट को लॉस करते हैं, जैसे कि आपने डॉग को देखा होगा वो अपने मुंह से ज़ुबान को निकालता है और उसे सलाइवा निकलता है, तो ये वो प्रोसेस होता है कि जिससे मैमल अपने हीट को लॉस करते हैं। और अल्लाह ताला का कितना एहसान है हमारे ऊपर कि अल्लाह ने हमें स्वेट ग्लैंड्स दिए हैं। अब आप सपोज़ करें कि अगर इंसानों के पास भी स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते और वो पेंटिंग का प्रोसेस करते तो कितना बुरा लगता कि एक इंसान आपके सामने आता और वो उसकी ज़ुबान मुंह से निकली हुई होती और उसे थूक निकल रहा होता। तो अल्लाह ताला का हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी, पेंटिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, द हार्मोन इन्वॉल्व इन द री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी इज़, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। और इसका मतलब ये है कि हमारी किडनी से वो कौन सा हार्मोन है जो वाटर को री एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन ए है एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन बी ADH, ऑप्शन सी पैराथॉर्मोन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो एक चार्ट में आपको दिखा चुका हूँ जिसके अंदर सब कुछ मेंशन है। एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है, पैराथॉर्मोन कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है, और ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन या जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं वो हमारी बॉडी से वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ADH। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, रेप्टाइल बर्ड्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ, रिप्टाइल बर्ड और इंसेक्ट अपने बॉडी से जो नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। और इसके ऑप्शन है हमारे पास यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिन और यूरेसिल। और याद रखिएगा कि जितने भी बर्ड्स इंसेक्ट और रिप्टाइल्स होते हैं वो यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं, और मैमल्स अपनी बॉडी से यूरिया को रिलीज़ करते हैं, और जो जितने भी वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी बॉडी से अमोनिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा यूरिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, यूरिया इज़ अबाउट 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। और इसका मतलब है कि यूरिया 1 लाख गुना लेस टॉक्सिक होता है किससे, यूरिक एसिड से, ऑक्सैलिक एसिड से, अमोनिया से या अमाइनो एसिड से। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा अमोनिया। यूरिया अमोनिया से 1 लाख गुना लेस टॉक्सिक होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो है, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, ह्यूमन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। और इसके ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी इज़ 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन डी इज़ 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले तो यूनिट को दिमाग में रखना है कि वो डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है या फ़ारेनहाइट में। अब यहाँ पर देखिए कि डिग्री सेल्सियस में इसका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इसका आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन यूरिन, यूरिन के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन क्या होती है, क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था। और इसके ऑप्शन है मीटर क्यूब, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब में 2 ग्राम, 100 सेंटीमीटर क्यूब में 5 ग्राम, 100 सेंटीमीटर क्यूब में 0.03 ग्राम और 100 सेंटीमीटर क्यूब में 0.47 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 21 है, इट डज़ नॉट हैपन ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर, इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि कोल्ड टेम्परेचर की रेगुलेशन के वक्त नहीं होता, ये सवाल 2006 में पूछा गया था। ऑप्शन है हमारे पास स्वेटिंग, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, शिवरिंग और सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन। जो क्वेश्चन नंबर 1 के टाइम मैंने कहा था कि सेम इसी तरह का एक सवाल 2006 में भी पूछा गया, वो यही सवाल है कि कोल्ड टेम्परेचर की रेगुलेशन के दौरान क्या नहीं होता। देखिए वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कि जो स्किन की तरफ जो वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं ताकि वो हीट लॉस को कंट्रोल कर सके, तो ये भी होता है। शिवरिंग कपकपाना, ये भी होता है। सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि जिनके स्किन के नीचे फैट की एक्यूमुलेशन होती है, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, सॉरी ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि ये तीनों प्रोसेस होते हैं। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है स्वेटिंग। स्वेटिंग वो वाहिद प्रोसेस है जो कि हीट लॉस के दरमियान होता है, हीट गेन के दरमियान नहीं, या अलग वर्ड्स में कहा जाए कि जो हॉट टेम्परेचर के रेगुलेशन के दरमियान होता है लेकिन कोल्ड टेम्परेचर की रेगुलेशन के दौरान नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे आज का पूरा लेक्चर कम्प्लीट हुआ जिसमें हमने
17 years past paper MCQs को analyze किया और उसको आपके सामने represent किया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारी आइंदा आने वाली वीडियो को के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।